हुए थे मेरे पैर में, आज 7 ऑपरेशन हो गया है, मैं हैंडीकैप हूँ, चल नहीं सकती हूँ। मैं ये जानकारी देना चाहती हूँ कि जो 26/11 आतंकवादी हमले में विक्टिम थे, उन लोगों को जो सरकार की तरफ से पैसा ऐलान किया गया था, वो पैसा अभी तक मुझे नहीं मिला है, न मेरे लड़के को मिला है। मैं सबसे पहले जानकारी देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट महाराष्ट्र 50,000 रुपया देने का ऐलान किया गया था, गवर्नमेंट महाराष्ट्र 5,00,000 रुपया देने का ऐलान किया गया था, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड 2,00,000 रुपया देने का ऐलान किया गया था, गवर्नमेंट महाराष्ट्र रिलीफ फंड 1,00,000 रुपया देने का ऐलान किया गया था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेशनल रिलीफ फंड 1,00,000 रुपया देने का ऐलान किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट 5,00,000 रुपया देने का ऐलान किया गया था। ये देख सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, ये देख सकते हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, ये फॉर्म दिया गया था जो हमने भरे और भर के मंत्रालय में जमा किए। आप देख सकते हैं कि ये हमारे लड़के का नाम था और ये हमारे नाम से साबिरा अब्दुल माजिद, ये हमने दोनों भर के जमा किए और इस पर ये लिखा हुआ था कि 3-3 लाख रुपया और नौकरी का इस पर लिखा हुआ है कि दिया जाएगा, लेकिन सेंट्रल स्कीम का जो था भर के जमा किए आज तक 1 रुपया नहीं मिला। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो ऐलान हमने अभी जानकारी दिए हैं पैसे का, गवर्नमेंट महाराष्ट्र प्राइम मिनिस्टर नेशनल गवर्नमेंट महाराष्ट्र, ये सब ये पेपर में लिखा हुआ है, जो विक्टिम लोगों को पैसा देने का ऐलान किया गया था, ये पैसा हमें नहीं मिला, ना मेरे लड़के को मिला हुआ है। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना जो बिल इलाज कराए थे वो मैंने चीफ सेक्रेटरी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन 2,63,067 रुपया का बिल हमने जमा किए थे, चीफ सेक्रेटरी रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन RNF डिपार्टमेंट मंत्रालय IT नंबर में जमा की थी। दूसरा बिल हमने जमा किए थे 4,98,484 रुपया हमने जमा किए थे। तीसरा बिल हमने जमा किए थे मंत्रालय में रिलीफ फंड ऑफिस में बिल जमा की थी, जो मेरा बिल का 4,92,000 रुपया है, 66,000 का बिल हमने जमा किए थे। उनका नाम मैं बताना चाहूँगी, नाम ओस्कर साहब, आभिष्कर साहब, उन्होंने एक लाइन नंबर दिए थे 02-02-02-6948 और 22-02-940, ये मंत्रालय का नंबर दिए थे। जब भी हम इस नंबर से हमने जानने की कोशिश की, मंत्रालय में भी जाके जांच की कि मेरे बिल का पैसा क्या हुआ, तो उन्होंने ये जवाब दिया चल गया और अभी क्या है, हमें आज तक मेरा बिल का पैसा दवाई का नहीं मिला हुआ है। हमने ये जानकारी देना चाहूँगी कि ये देखिए ये बिल है, अभी भी मेरे पास कुछ जेरस का बिल है, ये बिल है, ये मैंने जो बिल दिए हूँ, ये देखिए हमने बिल दिए हैं, जमा किए हैं, ये बिल हमारे पास कुछ रखा हुआ है, हमने क्या शायद मंत्रालय में जाने की ये रसीद पावती पूरा हमारे पास ये रखा हुआ है, जब जब हमने मंत्रालय में बिल दिए हैं, ये हमारे पास पूरी सबूत रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ देख सकते हैं आप, 85% से हमने यहाँ पर जख्मी हुए हैं, मेरे पास ये हैंडीकैप है, देखो हैंडीकैप ये हमें डॉक्टर ने बना के दे दिया है, मैंने 7 ऑपरेशन किए हूँ, डॉक्टर सरकार की तरफ से मुझे ये किया ऑपरेशन हुआ है, और ये मैंने 5 ऑपरेशन कराए हूँ, उसका बिल का पैसा मैंने जमा करी हूँ, मुझे सरकार ने ऐलान जैसे कि डॉक्टर ने इलाज करने से इनकार कर दिया था और मुझे 1 ऑपरेशन किए थे, तो जैसे कि डॉक्टर ने मुझे